दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। श्रीकर भरत और हनुमा बिहारी ने कर डाली ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी जिसको देखकर इंग्लैंड में तहलका मच गया। आखिरकार इन दोनों ने कितने गेंदों पर कितने रन बनाए और क्या रही इस मुकाबले की हाईलाइट, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हनुमा बिहारी और शुभमन गिल में से किसको शानदार बल्लेबाज मानते हैं आप? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 29 जून से पहला 5वां टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और इसी के लिए भारतीय टीम और लेसेस्टरशायर टीम के बीच में एक वार्म अप मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 246 रन पर ही पारी घोषित कर दी थी और इसके बाद जब दिन का खेल शुरू हुआ तो इनकी टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ऋषि पटेल और रोमन वॉल्कर ने 34-34 रनों की बेहतरीन पारी खेली और ये सभी बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर से ये सभी एक एक करके आउट हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि लेसेस्टरशायर की टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसके पहले ही 244 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और भारतीय टीम में रोहित शर्मा के स्थान पर श्रीकर भारत को ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया। बल्लेबाजी करने के लिए आए बल्लेबाज श्रीकर भारत और शुभमन गिल ने भारतीय टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल अचानक से एक गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने के चक्कर में आउट हो गए थे। इस मुकाबले में दूसरे दिन तक भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिए थे। उस समय क्रीज पर श्रीकर भारत और हनुमा बिहारी बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की मैदान में निगाहें जम चुकी थीं। इसके बाद तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इन दोनों बल्लेबाजों ने खेल के तीसरे दिन तो अपने बल्ले से तहलका मचा कर रख दिया और आपको बता दें कि ये दोनों बल्लेबाज अभी तक ताबड़तोड़ और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने 28 ओवर में पहले ही बोर्ड पर 100 रन लगा दिए थे। अभी भारतीय टीम का स्कोर 28 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 101 रन हो चुका है। अभी हनुमा बिहारी 51 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं श्रीकर भारत भी 87 गेंदों पर 7 खूबसूरत चौकों की सहायता से 40 रन ठोक चुके हैं। आगे भी ये बल्लेबाज इसी तरह से बल्लेबाजी करने वाले हैं, ये भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जाने वाले हैं। इसके बाद लेसेस्टरशायर टीम को एक विशाल लक्ष्य देंगे जिसको वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक विशाल जीत प्राप्त होगी। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि इस मुकाबले में श्रीकर भारत अपना शतक पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं।